सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज जैकी पटेल एंड आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड ऑब्जेक्शन के बारे में। शायद हैंडल ऑब्जेक्शन के बारे में मैं आगे वीडियो बना चुका हूँ एंड मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। ओके सो चलो आज बात करते हैं सेल्स के बारे में। ओके सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। कोई भी नहीं चाहता कि खुद को एज अ सेल्समैन किसी के सामने प्रेजेंट करे, कोई नहीं बनना चाहता सेल्समैन। सबको खरीदना अच्छा लगता है, सेलिंग किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और देख लो जितने भी बिलियनर या करोड़पति लखपति जो भी बने हुए, सब सेलिंग करके ही बने हुए हैं। सबके कुछ ना कुछ तो सेलिंग करते ही है। देन आफ्टर ही वो लोग अभी अपने नीचे पद पर, अपने नीचे स्थान पर बैठे हुए। Approximately 10 hours later. सेलिंग इज नॉट अंडररेटेड बिजनेस। अगर आपको सेल्समैन कहलाने में कोई नीचा हो रहा है तो आप अपने आप को एज अ कंसल्टेंट भी बोल सकते हो, कुछ कोई एडवाइजर भी बोल सकते हो। किसी को कंसल्ट कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में या फिर कुछ भी चीज़ें आप जो भी सेल्स कर रहे हो। तो चलो बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेलिंग तीन स्टेप में बटी हुई है। पहले सर्वे एग्जामिन करना है। ओके सेकंड उसको एनालिसिस करना है जो भी आपका सर्वे हो। थर्ड है वो ट्रीटमेंट। तीन स्टेप में बटी हुई है। सो सबसे पहली चीज़ एग्जामिन। मैंने ये अभी माजा की बॉटल थोड़ी देर पहले ही खाली की। तो मान लो मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने ये प्रोडक्ट बनाई हुई, तो सबसे पहले मैं इसका सर्वे करूँगा बाजार में और कौन से प्रोडक्ट है और क्या क्या अभी सेलिंग वगैरह ज़्यादा चल रहा है, राइट। देन आफ्टर जो भी सर्वे का रिजल्ट वगैरह आएगा उसके हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट है वो ट्रीट करूँगा, वो पेश करूँगा या फिर वो मार्केट करूँगा लोगों के सामने। ओके सो ये चीज़ ना छोटे बच्चों के लिए थी। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये चीज़ छोटे बच्चों के लिए थी। तो हमारे एडल्ट्स के लिए से होना हम सब ये जो भी हाई वाली जो प्रोडक्ट आते हैं, राइट, वो प्रोडक्ट बच्चे नहीं ले सकते। तो इसीलिए कंपनी ने ये प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च की थी एंड अभी मैं खुद भी रहा हूँ, मैं बच्चा तो नहीं बट बहुत ही अच्छी। अगर आपने कुछ सर्वे वगैरह किया, आपकी जो भी प्रोडक्ट है ये माजा ले लो या फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ कि हाउ टू सेल एनीथिंग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके सो मेरे टारगेट कस्टमर कौन से हैं, जो बंदे ऑनलाइन मेकिंग मनी के लिए ध्यान दे रहे हैं, खुद सर्च कर रहे हैं कि अपना कुछ साइड सोर्स हो या फिर ऑनलाइन पे कुछ इनकम स्टार्ट हो, राइट, वो बंदे मेरे टारगेट कस्टमर हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो साइड हसल करना चाहते हैं, जॉब चल रही है उनकी एंड कुछ काम और भी करना चाहते हैं, वो लोग भी मेरे साइड वो लोग भी मेरे कस्टमर हैं। तो मैं एक सर्वे करूँगा कि जो भी कितने हैं। अभी लॉकडाउन के बाद इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया में कि मतलब लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग ऑनलाइन बिजनेस में। सब में जो ऑनलाइन चल रहा है, सेकंड में ई कॉमर्स है, थर्ड में ड्रॉप शिपिंग अभी थोड़ा सा कम हो गया जस्ट बिकॉज चाइना से कोई प्रोडक्ट वगैरह अभी हम ले नहीं रहे हुए। ई कॉमर्स चल रहा है एंड वन एंड ओनली एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। नेक्स्ट चीज़ है सेलिंग में सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी आप सर्वे करोगे या फिर उसको एनालाइज करोगे तो आपको प्रोडक्ट किसी को बेचनी पड़ेगी, ये माजा है तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊँगा, राइट, शॉपकीपर्स को बोलूँगा ये मेरी माजा है, छोटे बच्चों के लिए आप ले लो, नहीं ले। आपको उनके साथ पहले रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा, उसको लगेगा कि आप ट्रस्टवर्थी पर्सन हो तभी वो आपके साथ बिजनेस करेगा वरना नहीं करेगा, राइट।
उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप ट्रस्टवर्थी पर्सन हो और आपकी प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर हो, उसको फायदा दिला के जाए, राइट, तभी वो आपकी प्रोडक्ट लेगा, वरना नहीं बिकेगा, वो क्लोज करना पड़ेगा वहाँ से। सो आप फोकस करो रिलेशन बिल्ड करने में, ना कि सेलिंग करने में, वरना आप दोनों को देखें, सेल भी नहीं होगा और रिलेशन भी चला जाएगा, बाद में कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। ओके, सो हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल एंड बेस्ट एवर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप। अपने क्लाइंट के साथ कैसे हाई क्वालिटी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उनके भी तीन स्टेप हैं। पहली चीज है लिसनिंग, उसके जो भी है, सबसे सबसे ज़्यादा यही गलती कर रहे हैं कि फोन किया, चालू हो गए, अपने प्रोडक्ट के बारे में ले लिया, बताओ वो करो, मेरा बोलना लिखना पूछना जो भी है, राइट, वो सारी चीज़ें बोलकर पहले उसको सुनो, उसको क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, आपके कस्टमर क्या फाइन कर रहा है, उसको कहेगा प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें करने का, राइट, वो पहले सुनो। सबसे पहले स्किल अपनी लिसनिंग की होनी चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। पहले सुनो उसको, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन सेकंड है उसको क्वेश्चनिंग करो। आप अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो आप जानोगे कैसे, अगर उसको पूछो क्या कर रहे हो अभी, जब मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग हब में अपने ऑनलाइन पे वर्क कर रहा हूँ, राइट, तो मैं सबसे पहला क्या करूँगा, मैं उसको पूछूँगा कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी मंथली इनकम कितनी कितनी है, राइट, आपकी फैमिली मतलब कोई बिजनेस वगैरह लेके बैठे हो, आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है या नहीं किया वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, राइट, वो सारी चीज़ें उनको पूछो, तो आपको अंदाजा आ जाएगा, आपको एक मिल जाएगा, गैस कर पाओगे कि इसको कैसे प्रोडक्ट की या फिर आपकी डिलीवरी देनी है, जो भी आप प्रोडक्ट लेके बैठे हो, राइट, पिच कैसे करना है। थर्ड वन है पॉज बिफोर रिप्लाई, ये ना एक ट्रिक है, समझ रहे हो, आप किसी को भी उसका प्रॉब्लम सुने, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो दो या पाँच सेकंड रुक जाओ और बाद में उसको रिप्लाई, जैसे मानो कि आप सोच रहे हो उसके प्रॉब्लम को सुनकर, उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, ये बेस्ट वे टू कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये बेस्ट वे, राइट, उसको लगेगा आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो एक थोड़ी सी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। मान लो ये माच है, राइट, अभी मान लो ये माच है, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा, तो लोग नहीं परचेस करते, आपने तुरंत ही आपने बोल दिया कि क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर प्राइस ज़्यादा ही होगी बिजनेस में, राइट, और उसने तुरंत ही मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रोडक्ट। अगर आपने 5 सेकंड सोच के जवाब दिया होता यही कि हाँ भाई तुम सही बता रहे हो, बट ना एक चीज़ सुनो कि अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी अप होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी अप, तो ये उसको सेटिस्फाइंग आंसर लगेगा, राइट, ये थोड़ी सी ट्रिक कर देता है सामने वाले के माइंड को, सेलिंग इज अ माइंड गेम, सो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कैसे करना है वो सीखना और कुछ। सेलिंग टेक्स प्लेस विथ अ वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन साइलेंस, ये जो 5 सेकंड का आप गैप रखते हो ना, उसमें आपका परचेज हो जाता है, वो थप्पा लग जाता है कि हाँ मैं परचेस करने वाला हूँ उसका, क्योंकि ये बंदा ये जो सेल्समैन है वो मेरी सुन रहा है, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, ये मेरी सुन रहा है, तो मैं इसके साथ बिजनेस करूँगा डेफिनेटली, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज़ नेक्स्ट पे जाती है तो फॉलो अप, सबसे 90% सेल्स फॉलो अप के द्वारा ही होते हैं, फॉलो अप के थ्रू ही होते हैं, अगर आपने फॉलो अप नहीं दिए तो आपके सेल्स क्लोज नहीं होंगे। बहुत ही कम लोग हैं, 10% ही लोग हैं जो तुरंत ही आपसे ऑर्डर देके आपसे परचेस कर लेंगे, वरना
बाकी 90% हो गए उसको फॉलोअप में ही परचेस करवाना है और वैसे ही हो गए। कोई 3 फॉलोअप में परचेज होता है, कोई 2 फॉलोअप में परचेज हो जाता है, फिर कोई 7 या 8 फॉलोअप में सेल्स क्लोज हो जाता है। सो फॉलोअप इज द मेन वन थिंग फॉर सेल्स क्लोजिंग। वो थोड़ा सा टॉपिक अलग है, ये मैं सेलिंग की ही बात कर रहा था। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कस्टमर ऑब्जेक्शन देते हैं राइट ऑनलाइन बिजनेस में, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो वहाँ पे जाके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं सबसे पहले कंटेंट डालता हूँ, यूट्यूब में बाद में डालता हूँ। यूट्यूब में स्ट्राइक लग जाती है वहाँ पे नहीं लगती, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम है सिक्योरिटी इससे। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसके वीडियो के थ्रू या फिर इस टॉपिक में वीडियो चाहिए, वो सारे चीज़ें मुझे कमेंट में डाल के। तो कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।